इस समाज को, इस क्षेत्र को, यहाँ उपस्थित तमाम नौनिहाल बच्चों और अभिभावकों को अपने तरफ से दिल की गहराई से बहुत सारे संदेश, बहुत सारे सलाह और मैसेजेस उनके द्वारा दिए गए। सभी ने बहुत सारी बातें करी और आप अगर सभी की बातों का एक निचोड़ निकालेंगे तो वो यह निकलेगा कि भाई यह क्षेत्र विकसित कैसे हो सकता है, इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, इसका समाधान भी हमारे विद्वान वक्ताओं ने एक ही शब्द में मिला जुला कर दिया, वो थी शिक्षा। यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ेपन के दौर से गुजरकर आज यहाँ काफी चमकीले सितारे मौजूद हैं, वो उस दौर को पीछे छोड़ चुके हैं और आज अपनी चमक बिखेर रहे हैं, शिक्षा की अलग अलग जगा रहे हैं, बच्चों में, हर एक बच्चे में, हर एक घर में शिक्षा का महत्व बता रहे हैं। मैं यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें नौनिहाल बच्चों की संख्या काफी अच्छी है, वे बहुत उत्साहित हैं। किशोर और युवा भी एक तरफ बैठे हैं। हमारे समाज के अभिभावकों की संख्या कुछ कम है। मैं बताना चाहूंगा और यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी यहाँ के इस समाज के युवाओं ने समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए उठाया है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी नहीं है। हम अपने बच्चों को इनके पास भेज कर इनके सानिध्य में पढ़ने के लिए भेजते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा है, बच्चा तो पढ़ने जा रहा है, अब जो करना होगा बच्चे का जो होगा वो टीचर करेंगे, वो मास्टर करेंगे, वो शिक्षक करेंगे। जी हाँ, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वही निभाएंगे, लेकिन हम हमारी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपके बीच में भूतपुर जिला परिषद दक्षिणी क्षेत्र के डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सर पदार्पण हो चुके हैं, उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जो कि युवा चेतना क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो